बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने से पहले घुटनों के बल भी गिरना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नोफुट चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हल्दी वाला दूध, जिससे आपकी सर्दी और जुकाम दूर होती है और साथ ही हड्डियों का दर्द भी दूर होता है। तो इस हल्दी वाले दूध को बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे आधा लीटर दूध। इस आधा लीटर दूध को हम उबालेंगे जब तक कि ये 400 ml ना हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से मलाई जम रही है, इसका मतलब ये गाढ़ा हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी मलाई आप ना खाएं, यानी कि आप जब भी डाइट पर हैं तो इस मलाई को निकाल कर अलग रख सकते हैं और सिर्फ इस दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस मलाई को मत फेंकिए, इसका हम इस्तेमाल बाद में बताएंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो चलिए, ये हल्दी हम ले लेते हैं, ये फ्रेश हल्दी है। तो इस तरीके की हल्दी होती है जो झाड़ों में रहती है, मिट्टी वगैरह लगी होती है। तो इस हल्दी को हम अच्छी तरीके से पहले धो लेते हैं। तो ये देखिए, इस हल्दी का कलर इस तरीके का होता है। तो धोने के बाद अब हम इसके छिलके को निकाल लेते हैं चाकू की मदद से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, छिलके को इस तरीके से मैं निकाल रही हूँ। तो इस हल्दी को छीलने के बाद हम इसको कद्दू क्रश करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हाथ पीले हो गए हैं। तो ये नेचुरल हल्दी इसी तरीके से रहती है, जब भी आप छीलेंगे तो हाथ आपके पीले हो जाते हैं। तो इसको हम ग्रेटेड कर लेंगे। ये हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है फ्रेंड्स, हड्डियों के दर्द के लिए ही नहीं बल्कि जो ज़ख्म रहते हैं अंदरूनी बाहरूनी, उनको भी ये बहुत अच्छी तरीके से कम करते हैं। तो हल्दी को हम असाइड रख लेते हैं। एक पैन में हम यहाँ पर 1 कप दूध डाल लेंगे। 1 कप दूध डालने के बाद हम इस ग्रेटेड की हुई हल्दी को डालेंगे। तो हल्दी को डालकर हम इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। धीमी आंच पर इस तरीके से हलाकर पकाएंगे जब तक कि ये 1 कप दूध आधा कप ना हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हल्दी का कलर दूध में इस तरीके से निकल रहा है। तो पीला कलर अच्छी तरीके से निकल रहा है। दूध अब आधा कप हो चुका है, इसको हम छान लेंगे। तो एक छन्नी की मदद से हम इसको छान लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इसमें नेचुरल कलर आया है। तो जो भी हम इस हल्दी को निकाल कर छान कर रख रहे हैं, उस हल्दी को आप वेस्ट मत कीजिए, बल्कि इसमें आप जो मलाई हमने पहले निकाल कर रखी थी उसको मिलाकर फेस पैक की तरह लगा सकते हैं, बहुत अच्छा कलर निखरेगा। इसके बाद ये जो हल्दी हमने छान कर रखा है, यानी कि हल्दी का पानी, उसको असाइड रख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे अजवाइन। अजवाइन खांसी और सर्दी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। जब भी खांसी रहती है तो अजवाइन को आप दूध में डालकर पीजिए, या फिर इसी तरीके से भी आप खा सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो इसको हम इस तरीके से क्रश कर लेंगे। अच्छी तरीके से हम इसका एक थोड़ा पाउडर बना लेंगे। अगर अच्छी तरीके से ये पाउडर ना बने, बस इसी तरीके से बना है, तो कोई बात नहीं, इतना ही हम इसका पाउडर बनाकर असाइड रख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको हम असाइड रख लेंगे। जो हल्दी वाला दूध हमने रखा है उसको हम एक बोल में डालेंगे, यानी कि एक गिलास में डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद इसमें हम प्लेन दूध डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसमें मिठास आ सके तो इसमें आप हनी डाल सकते हैं, यानी जो भी मीठी चीज़ है, या फिर गुड़ डाल सकते हैं, पर शक्कर मत डालिए, इससे खांसी और ज़्यादा होती है। जो हमने अजवाइन रखा था उसको डाल देंगे। अजवाइन डालने के बाद हम इसमें डालेंगे केसर। केसर ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालिए, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और गिलास में हम प्लेन दूध डाल रहे हैं, यानी कि जो हल्दी वाला दूध है उसको 2 से 3 टेबलस्पून इसमें डालेंगे। इसके बाद प्लेन दूध डालेंगे। प्लेन दूध डालने के बाद और 2 से 3 टेबलस्पून ऊपर से हम हल्दी वाला दूध डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें हल्दी वाला दूध कम लग रहा है, इसीलिए और 2 टेबलस्पून हम इसमें हल्दी वाला दूध डालेंगे। अब इसके ऊपर हम केसर डाल देंगे। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है, यानी कि बादाम या पिस्ता है, तो उसको भी डाल सकते हैं केसर के बजाय। अजवाइन भी आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको अजवाइन पसंद नहीं है। बस इसी तरीके से ये हेल्दी दूध आप पी सकते हैं। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम है तो डेली 1 गिलास ये दूध रात में सोते वक्त पीकर सोइए, आपकी सर्दी और ज़ुकाम 2 से 3 दिन में ही कम हो जाएगी। साथ ही जब भी आप में आपको गले का खराश रहता है, तभी भी आप इसको पी सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद रहता है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को ज़रूर से एक बार सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।